आज का वीडियो दोस्तों थोड़ा अलग होने वाला है। आज का वीडियो स्टॉक स्पेसिफिक की बजाय एक सेक्टर को लेकर गए हैं और इस सेक्टर के ऊपर आप कह सकते हैं कि निवेशकों का बहुत ज़्यादा फोकस है और एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेस इसको लेकर के बहुत ज़्यादा बुलिश हैं और इनका ये मानना है कि इस पूरे के पूरे सेक्टर में पिछले एक महीने में ऑलरेडी बहुत तेज़ी आप देख चुके हैं, लेकिन अभी भी ये तेज़ी कम्प्लीट नहीं हुई है बल्कि ये तेज़ी की सिर्फ शुरुआत है। और जिस तरह आने वाले सीजन में आपके लिए आने वाले मंथ्स में या क्वार्टर्स में एक आप कह सकते हैं फेस्टिव सीज़न आने वाला है, एज वेल एज आप कह सकते हैं मानसून सीज़न का जाना इस पूरे सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। क्या वो सेक्टर है और क्या जिन ब्रोकरेज हाउसेस की मैं कोट करूँगा और अचानक से ब्रोकरेज हाउस सीमेंट सेक्टर जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ इसमें इतने ज़्यादा बुलिश क्यों हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं सीमेंट सेक्टर के ऊपर। देखिए, आपको पता होगा पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे सीमेंट सेक्टर काफ़ी बड़े आप कह सकते हैं तनाव से गुजर रहे थे। रीज़न था आप सकते हैं जो लाइमस्टोन होता है दोस्तों, जिसके ऊपर काफ़ी कम लोग बात करते हैं, लाइमस्टोन को लेकर के जो रेगुलेशंस थे ना इसको लेकर के सीमेंट इंडस्ट्रीज के पास काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ थी। प्लस जो पावर जो एनर्जी क्राइसिस है बहुत ज़्यादा निगेटिवली इम्पैक्ट किया और जो कोल है दोस्तों कोयला वो दाम इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चले थे कि जैसे मैंने पहले बताया एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ जो एनर्जी प्राइसेस थे वो भी स्टॉक के ऊपर या पूरे सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे थे। प्लस एक और चीज़ जो पूरे सेक्टर को लेकर के आप कह सकते हैं प्रॉब्लम थी वो है डिमांड में कमी, और यही कारण था कि लगातार प्राइस जो इन्होंने हाइक की थी उसे पूरे के पूरे सेक्टर वालों को वापस लेनी पड़ गई दोस्तों। तो ये तमाम चीज़ें इनके स्टॉक प्राइस में देखने को मिली, लेकिन अब चीज़ें जस्ट बदलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं पूरे के पूरे सीमेंट स्टॉक को लेकर के, चीज़ें अब काफ़ी पॉजिटिव दिख रही हैं। आपको पता होगा अभी कुछ रीजंस को लेकर के सीमेंट कंपनीज ने प्राइस में बढ़ोतरी की सीमेंट प्राइसेस में। इतना ही नहीं दोस्तों, एक समय में जो एनर्जी क्राइसिस जो फ्यूल के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि कंपनीज को अपने जो एनर्जी जो एक्सपेंस है उसे बचाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जीज जैसे सोलर एनर्जी तमाम अलग प्रकार के एनर्जीज पे डिपेंडेंट अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा और ऐसे कुछ कदम उठाने पड़े जिनसे बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो। तो ये चीज़ें आपको याद होगा जब आप कह सकते 1000 और 500 की नोट जब कटी थी, जब बंद हो गई थी, बैन हुई थी, उसके बाद से पूरे का पूरा जो डिजिटाइजेशन है वो मानता हूँ बहुत पेनफुल इतिहास रहा वो, लेकिन उसके साथ एक अच्छी चीज़ ये हुई कि डिजिटाइजेशन में बहुत बड़ा जंप आया और वही काम अभी इनके साथ ये हुआ है दोस्तों। कॉस्ट कटिंग की प्रोसेस कह लीजिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर पैनल्स हैं उन्हें लगाना, तमाम चीज़ों के ऊपर कंपनी ने बहुत फोकस किया है और अब ये चीज़ आने वाले समय में इन्हें बहुत फ़ायदा देगी। कोयले के दाम जो इन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और कंपनी पे बहुत कह सकते हैं एडवर्स इफेक्ट कर रहे थे, वहाँ से भी कुछ पॉजिटिविटी आने के चांसेस हैं आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। सीमेंट सेक्टर आपको पता होगा जब मानसून होता है तो उस समय ज़्यादा काम होता नहीं है, डिमांड में काफ़ी टेपिड रहती है और यही कारण है कि डिमांड में काफ़ी हद तक कमी थी दोस्तों सीमेंट की। लेकिन अब मानसून के जाने के बाद जो विंटर सीजन आने वाला है उस समय बहुत ज़्यादा डिमांड में तेज़ी आने की आशंका है। प्लस एनालिस्टों का ये मानना है जो हाउस होल्ड जो है वो सेक्टर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट करेगा, जिसका सीधा सीधा फायदा आप पूरे सीमेंट इंडस्ट्रीज में देखेंगे दोस्तों। और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को लेकर के जो मैंने आपसे पहले बताया लाइमस्टोन रेगुलेशन को लेकर के सरकार ने जो बदलाव किए लाइमस्टोन को प्रोवाइड करने के लिए या जो आप लाइमस्टोन ले सकते हैं एक्वायर कर सकते हैं, इसको लेकर के जो रेगुलेशंस हैं उनमें कुछ पॉजिटिविटी देखने मिली और ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा आपको इनके के लिए आने वाले समय में लाइमस्टोन की, क्योंकि देखिए वो भी एक रॉ मटेरियल ही है सीमेंट कंपनीज के लिए, तो वो भी एक काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी दिखाएगा दोस्तों। बात करूँ अगर मैं इनके वैल्यूएशंस की तो आपको मैं बता दूं पिछले कुछ समय से आप देखेंगे और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं इंडिया सीमेंट्स, इसने आप कह बता दूं आपको 40% का रिटर्न दिया है इसने। और जब मैं आप कहता हूं कि भाई इन्होंने 40% का रिटर्न दिया है तो माफ़ कीजिएगा 44% का 3 महीने के अंदर, ठीक है। और आप देख लीजिए तमाम स्टॉक्स हो चाहे अल्ट्राटेक हो, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत कही जा रही है दोस्तों, ठीक है। और बात करूं अगर मैं आपको मोतीलाल ओसवाल की तो वो भी इस इंडस्ट्री में बहुत हद तक बुलिश हैं और वो आने वाले कुछ सालों तक बहुत ज़्यादा बुलिश हैं और
बात करूं अगर मैं, आप कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री को लेकर के मोतीलाल ओसवाल का भी कहना है कि जो डिमांड है ये काफ़ी शानदार रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। और आने वाले समय में दोस्तों जो पूरा का पूरा ये आप कह सकते हैं पूरा डिमांड सिनेरियो है, आप मानता है जो डिमांड सी ए जा रहा है दोस्तों वो लगभग 8% पर रहने की बात है, यानी जो आने वाले 2-3 सालों हैं उसमें जो बढ़ोतरी आप डिमांड देखेंगे ये 8% के CAGR में बढ़ती दिखाई देगी। तो मोतीलाल ओसवाल काफ़ी बुलिश है। प्लस जो मेरी फेवरेट ब्रोकरेज हाउस है, मैं आपको बता दूं जिनकी रिपोर्ट मुझे वाकई सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है ICICI सिक्योरिटीज़। और ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करें तो उनका मानना है कि जो फ्यूल की प्राइसेस है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट किए हैं, रीज़न आपको पता होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्राइट कॉस्ट, क्योंकि देखिए सीमेंट को आपको ट्रांसपोर्ट ही करना पड़ता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और ऐसे में फ्यूल प्राइसेस का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में अनप्रेसिडेंटेड वृद्धि दिखाया था। और आने वाले समय में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों तब भी क्रूड ऑयल काफ़ी हद तक पहले के स्तरों से शांत दिख रहा है दोस्तों। प्लस आपको मैं बता दूँ आने वाले समय में क्रूड ऑयल में थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जो मार्जिन है ना दोस्तों ICICI सिक्योरिटीज़ का ये मानना है कि मार्जिन कुछ यूँ ही इम्प्रूव नहीं होंगे, आने वाले 2-3 क्वार्टर तक आप कह सकते हैं चीज़ें नॉर्मल होने लगेगा, और Q4 to next year आपको मार्जिन में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ऐसा ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है। और इनके आपके लिए जो तमाम दिग्गज हैं उनके टॉपिक्स क्या हैं दोस्तों, आप कह सकते हैं अल्ट्राटेक हर के पिक में रहती है, मिड कैप में डालमिया सीमेंट और ये तमाम प्रकार के इंडिया सीमेंट्स, ये तमाम प्रकार के सीमेंट हैं जो अक्सर लोगों के पिक्स में रहती हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ मैंने अल्ट्राटेक में सेल कर दिया था, मेरे जो है मेरे पोर्टफोलियो में जो अल्ट्राटेक का स्टॉक था उसमें तेजी आने के मैंने सेल कर दिया था, लेकिन एक मिड कैप सीमेंट स्टॉक जो मेरे पास है, और यदि आप पुराने व्यूअर्स होंगे मेरे तो आपको पता होगा कि ये स्टॉक जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ ये मेरे पोर्टफोलियो में बहुत समय से है और अभी भी मैं उसको होल्ड करता हूँ, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बताइएगा वो कौन सा स्टॉक, मैं उसके बाद वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और वो स्टॉक अभी उतना अच्छा रनअप नहीं दिखा रहा दोस्तों, हिंट के लिए बता दूं उसने अभी भी डिविडेंड दिया है दोस्तों लगभग 8 रुपये का। तो अब आपको समझ में आ गया, अगर पता चल गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए मैं किस सीमेंट सेक्टर की बात कर या सीमेंट स्टॉक की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो सीमेंट एज अ सेक्टर आने वाले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा डिमांड आपको देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो दोस्तों वो है इनपुट कॉस्ट, वो है एनर्जी प्राइजेस, वो है कोल के प्राइजेस, वो है फ्यूल के प्राइजेस, यानी कि जो एनर्जी सेक्टर है जो एनर्जी के प्राइजेस हैं इनकी, वहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलती है यकीन मानिए मार्जिन में शूट अप होगा, स्टॉक काफ़ी अच्छे ट्रेड करेंगे दोस्तों। तो यदि आपके पास निचले स्तरों पे सीमेंट स्टॉक्स हैं प्लीज़ मुझे लगता है सेल करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। हाँ ट्रेडिंग के लिए लिए थे सो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिया है आने वाले 2-3 साल सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ऊपर स्तरों में भागेगा, गिरावट होगी, आप हमेशा याद रखिएगा स्टॉक हो गया स्टॉक मार्केट दोनों में कभी भी एकदम आप कह सकते हैं आपको एलिवेटेड कर्व नहीं दिखेगा, गिरता है स्टॉक, भागता है, चढ़ता है, गिरता है, लेकिन एक स्टेडी आपको अपटिक ज़रूर देखने को मिलेगी लॉन्ग टर्म में। तो यदि आपको मेरा एक छोटा सा एनालिसिस पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।